एक बात बताओ, किया सेल्टोस क्यों नहीं लिया हमें 15.5 में? ये पेट्रोल वेरिएंट है भैया, वो 70% है, ये 100% है। हेलो भाई, मैं कुमार, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ MG हेक्टर की सारी एक्सेसरीज जो जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और अलॉयज वगैरह का प्राइस हो गया, इंटीरियर अगर आपको करवाना है तो उसका क्या प्राइस पड़ता है, 2021 में आफ्टर मार्केट वाली चीजों का क्या हिसाब किताब बनता है। वीडियो में आग बढ़ने से पहले मैं आपको boodmo.com के बारे में बता दूंगा। एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन है जहां से आप किसी भी कार का, चाहे नई कार हो चाहे पुरानी कार हो, उसके स्पेयर पार्ट्स मंगा सकते हैं। सिंपली आपको कार में जाना है, यहाँ पे अपना कार में सेट करना है, जैसे अपने को फोर्ड के एंडेवर के लिए सामान मंगाना है। तो मैं आप सारी डिटेल भर दूंगा। 2006 मॉडल है, मॉडिफिकेशन हम डीजल इसमें सेलेक्ट करेंगे। यदि सर्च पार्ट्स करेंगे तो जो भी पार्ट्स इनके पास है स्पेसिफिक कार के लिए अवेलेबल रहेंगे ये अपने को दिख जाएंगे। मान लो अपने को एक कंप्रेसर और ऑयल फोर्ड एंडेवर के लिए मंगाना है, हम इस पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पर, और यहाँ पर एड टू कार्ट करके अपने को ये केवल चेकआउट कर देना है। इसके बाद ही सेफली हमारे घर पे इसको डिलीवर कर देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से वेबसाइट पे विजिट करके अपनी किसी भी कार का स्पेयर पार्ट्स अपने घर पे आसानी से मंगा सकते हैं। तो ये भाई MG Hector प्लस बेस वेरिएंट 7 सीटर जो अभी लॉन्च हुआ था जनवरी में। तो अभी सर से हम मिलवाएंगे आप जिन्होंने ये कार ली है और बेस मॉडल ये 15.5 लाख रुपए का उनको पड़ा था। तो कितना उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करके इसको ये सब लगवाया है उनके हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक्सेसरीज का प्राइस है वो हम रेफरेंस से जानेंगे हिमांशु से जो करोल बाग में शॉप चलाते हैं, क्या हाल है? कार कस्टम्स के नाम से। तो ये जो भी आप काम देख रहे हैं पूरा रेड इंटीरियर, ये सर की इनकी गाड़ी है, ये सब हिमांशु भाई ने ही करा था। साउंड सिस्टम भी भाई, अब क्या क्या करा है मेन ये बता दो भाई सबसे पहले। भाई साउंड सिस्टम लगाया है फुल पावर का, ठीक है, साउंड सिस्टम। हाँ, वो आपने सुन ही लिया। बेस वेरिएंट में आता है ना सर, इसमें आया था जो स्पीकर्स कुछ गया था, कंपनी की तरफ से हल्के वाला था, हल्के वाला था आया था, वैसे दे देती है नाम, वो नाम नाम का जो होता है, ठीक है। तो भाई वो रिप्लेस करके ब्लॉक पंक का मैंने इसमें एंड्रॉइड लगाया। हाँ, ये वीडियो भी चलती है ना भाई, फुल पावर ये वीडियो ही तो चल रही है। हाँ हाँ, तो भाई एंड्रॉइड का क्या सीन है, इसका एंड्रॉइड सारे आते हैं, मेगा सोनिक, ये सोनिक वगैरह वगैरह सब बढ़िया चलते हैं भाई, लेकिन मैं चाइनीज चीजों को कम प्रेफर करता हूँ अब जब से कोरोना का काल निकला है भाई, तो ब्लोपंग लगाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ भाई। अच्छा भाई, अभी इस पे इसकी बात करते हैं, इसका प्राइस क्या पड़ता है ब्लोपंग के एंड्रॉइड स्टूडियो का? भाई ब्लोपंग का एंड्रॉइड पड़ता है 19,000 का, 19,000 रुपए का। हाँ, 9 इंचेस वाला 19,000 का पड़ता है, किला जो इसका नाम है। बाकी कैमरा क्वालिटी देखो भाई, ये भी मस्त है, और जब हम स्टेयरिंग अपना काटते हैं तो इसके साथ जो ये अपनी लाइन्स हैं ये भी मुड़ जाते हैं, जो अपना असिस्ट करता है ड्राइवर को, मूविंग कैमरा बोलते हैं भाई इसको। ये कितने का पड़ता है भाई? भाई अपना अच्छी क्वालिटी का लेते हो 14-15 सौ का पड़ता है, अगर लोकल लेते हो भाई 7-8 सौ का पड़ता है, और लोकल आपको पता है आपके भाई के पास कोई चीज मिलती है। अब बताओ हिमांशु भाई, इसमें बाहर से क्या क्या करा है? ये बेस वेरिएंट लगेगा नहीं, बेस वेरिएंट सा बिल्कुल वैसे कंपनी से जो आता है। आपको सबसे पहले ना भाई इसमें अलॉय लगाए थे भाई, 20 इंची अलॉय लगाए, साथ में टायर भी चेंज कराए। 20 इंचेस भाई, प्रोफाइल क्या है यार इनकी, 275/40R20 भाई, नेक्स्ट लेवल की अलॉय लग रहे हैं। अगर दूर से पता चलता है अलॉय लगे हुए ग्रीन वाइजर्स लगाए थे, क्रोम लाइन वाले, आपको पता है मेरा क्रोम काला नहीं पड़ता, गारंटी होती है हमेशा 1 साल की, और साल की इंश्योरेंस वाले देते हैं, हम फिर भी 1 साल से ज्यादा की देते हैं। अरे मतलब यार लग गया क्रोम तो फोन टॉलरेट करता है यार। हाँ, वही, ये तो वही, कहने वही, वाली बात है भाई। ये डोगार्ड्स लगाए थे इसके, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के लोग लगाते हैं भाई मार्केट में ना, मैं बताता हूँ, आईपॉप करते हैं, आईपॉप में भी दो क्वालिटी आती है, एक चाइनीज आती है, एक डुप्लीकेट आता है, एक ताइवान वाला आता है, ताइवान वाले के पीछे मेड इन कोरिया लिखा होता है, वही लगवाना कभी भी लगवाना हो तो भाई। सबसे खूबसूरत आइटम ये डोर पैनल्स आपके लेदर रैप करें, साथ में ये आप स्टिचिंग देख रहे हो भाई, स्टिचिंग के साथ लेदर रैप करें ताकि एक एलिगेंट लुक आ सके गाड़ी। अच्छा, कलर के बारे में क्या ख्याल है आपके भाई? कलर तो नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है, और दूसरा सबसे अच्छी बात, आप वीडियो में ध्यान से देखो, कलर आँख में चुभ नहीं रहा। अच्छा, आप भी बैठे थे तो देख सकते हो भाई। बाकी तो ये इसका डैशबोर्ड मैंने लेदर रैप किया था स्टिचिंग के साथ, इसको तरीके से लेदर रैप किया गया भाई, ये इसको भी मैंने लेदर रैप कर दिया, जो स्टीरियो का पूरा सारा कुछ लेदर, और ये ऊपर से भी ये रूफ भी लेदर रैप करिया भाई, साथ में इसका आपका पेंट भी कराया है, हैंडल वगैरह इसके, और एक बेस मॉडल था भाई, खाली थी गाड़ी बिल्कुल, स्टीरियो भी वो सिंगल टिन जो टाइप वाला बटन वाला लगा होता है वो लगा हुआ था, स्पीकर इतने हल्के थे मतलब पेपर जितने हल्के थे, और मज़ा ही नहीं आ रहा था। बाकी तो भाई लगाया भाई से, अभी हम रिव्यू लेंगे क्या लगा, कैसा लगा, किस तरीके का काम हुआ है, भाई के सर्कल में भी सब लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा। ये हमारे भाई हैं, आशीष भाई है। कितने की पड़ गई आपको ये कार भैया? ये लगा लो भैया के पास 2.25 लाख रुपए का। नहीं, कंपनी से कितने मिली आपने? कंपनी से स्टार्टिंग प्राइस भैया इसका 15 लाख 50,000, 15.5 लाख की, और आपने यहाँ 2.25 लाख रुपए स्पेंड करके। अच्छा। वो भैया की गाइडेंस की वजह से ही सारा काम अच्छा हो गया,
हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी, इन्होंने एक एक काम अपने हिसाब से सब ओरिजिनल चीजें लगा के तब किया। ये नहीं लगा आता था, ये भी मैंने आपके मार्केट लगाया, क्योंकि बाकी ज्यादा क्रोम की इनको इच्छा नहीं थी, इसे कुछ कुछ आइटम लगाई थी, बस ये लगाया था और एक फुटस्टैप लगाया क्रोम में। ये लगाई भाई जेवेल की, ये बेस ट्यूब लगाई है 1300 वॉट ओरिजिनल विद बिल, 7500 रुपए की बेस ट्यूब है, एक नंबर, मतलब फुल पावर जैसे कहते हैं, ये वो सीन है। 7500 रुपए की है भाई ये ओरिजिनल विद बिल, इतने की आती है। बाकी डी मार्केट का, ग्रे मार्केट का आता है, हम डील ही नहीं करते, आपको पता है। अच्छा, ये पीछे के पिल्ले की फिनिशिंग देख रहे हो भाई, स्टिचिंग के साथ दी गई है। ये पूरा 7 सीट रहने का, तो 7 सीट करिए भाई ने, और इसके अलावा आप देख लो भाई इसका पूरा इंटीरियर। अच्छा, किसी को इंटीरियर कराना हो भाई, मतलब ये कलर तो देखो अपने टेस्ट का सा तो नहीं है, अगर किसी को और बढ़िया कोई कलर में जाना हो। आपने बनाई तो है मेरी एक्सयूवी, कितनी दो तीन एक्सयूवी आपकी सेल्टोस में भी तो लगवाया था। कितने का हो जाता है भाई वो? भाई वो मतलब डिपेंड करता है कि यार, जैसे अब ये इस गाड़ी का इंटीरियर मैंने 40,000 का चार्ज किया, ठीक है, सिर्फ इंटीरियर। अब डिपेंड करता है आप क्या मटेरियल लगाते हो, किस तरीके से आप कराना चाहते हो, इसमें वुडन भी कराना है आपको, पेंट भी कराना है, क्या क्या आपको कराना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता है आपके भाई का इंटीरियर का काम कैसा है, ये डोर पैनल्स किए गए हैं, ये हैंडल जो होता है हैंडल भी पकड़ने वाला लेदर रैप किया गया है, और फिनिशिंग आपको दिख रही होगी किस तरीके से आई हुई है भाई, मतलब पूरी जैसे BMW वगैरह मर्सिडीज वगैरह में फील आती है, वो देने की कोशिश करता रहता हूँ हर बार। अच्छा, और बाकी तो भाई अपने लिए यही BMW यही मर्सिडीज है। ये देखो भाई, आर्मरेस्ट से लेके गियरनो वगैरह ये सारा इंटीरियर में कवर रहता है ना, सारा इंटीरियर में कवर रहता है भाई, स्टीयरिंग कवर की फिनिशिंग ये सही है, यहाँ नहीं करा वरना एयरबैग ना खुलने का खतरा रहता है, ए पिलर वगैरह सारा कुछ इन्होंने करा, और ये भी करा है मेरे ख्याल से ब्लैक, ये भी ब्लैक करा भाई, ये जब रूफ करिए तो उसी मटेरियल में जो रूफ में फैब्रिक लगा है उसी में ये करिए। बाकी जो ग्रे वेंटल था उन पर पेंट किया गया है ब्लैक, जिससे थीम सी बैठ जाए। ये भाई यहाँ पे बेसिक आता था, लेकिन यहाँ पे ये डाल दिया ब्लोपंग का, और 2.25 लाख रुपए टोटल सर ने इस गाड़ी पे खर्च करे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किया सेल्टोस क्यों नहीं लिया हमें 15.5 में, ये पेट्रोल वेरिएंट है भैया, वो 70% है, ये 100% है। अच्छा कैसे, मतलब साइज का फर्क लगा लो, लुक का फर्क लगा लो, रोड अपीयरेंस का लगा लो, सीटिंग कैपेसिटी लगा लो, माइलेज क्या दे रही है अभी तक ये बताओ। तो पेट्रोल ये नहीं ली भैया, ये तो वैसे अच्छा, जो लोग बड़ी गाड़ी लेते हैं वो माइलेज वगैरह नहीं देख के लेते भाई। अच्छा, जब भी तो 2.25 लाख रुपए स्पेंड कर दिया, तभी तो आपने सेल्टोस लाए रखी है, नहीं माइलेज देख के थोड़ी ना लिए। हम भी इसकी फिनिशिंग दे सकते हो भाई, पीछे वाली सीट की किस तरीके से करी गई है आपके भाई द्वारा, ये रेड नहीं करा क्या, लाल नहीं करा, रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में था, रेड करता तो ओट हो जाता, इसलिए उस तरीके से पूरा डिजाइनर बना करना पड़ता है इस चीज में, बहुत करना पड़ता है भाई, नहीं तो कोई भी चीज ओट ना हो जाए, मतलब किसी के भी मन में यूं ना आ जाए कल को यार कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। ये आप देख सकते हो, इसमें भी सिर्फ इस पे मैंने स्टिचिंग दे के ये डोर पैनल लेदर रैप किया और कुछ नहीं करा। बाकी ये जो हैंडल देख लो आप, इनको मैंने पेंट करा दिया था ब्लैक कलर का। अब फाइनल बारी आती है भाई, अब दुकान वाले भाई हैं वो तो अपनी तारीफ करेंगे, जैसे कस्टमर इनके पास आए, मेन तो वो बंदा है ना जिन्होंने 2.25 लाख रुपए खर्च करे हैं, एक शॉप ओनर को, एक्सेसरी शॉप वाले को 2.25 लाख रुपए दी। तो आप बताओ अपना जेन्युइन का काम कैसा लगा आपको जो इन्होंने करा है? बस भैया 10/10 है, मैंने इतनी अच्छी गाड़ी आज तक अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं। अच्छा, और जो इनकी गाइडेंस थी ना उसमें कहीं भी 1 रुपए का ऐसा नहीं लगा मेरे को कि ये मेरे को चीट कर रहे हैं या इन्होंने मेरे को गलत गाइड किया। मेरे को 2,000 रुपए का तो खाना खिला दिया। अच्छा, काम करने के अलावा। हाँ। और एक भाई जैसा फील मतलब लगा नहीं मेरे को कि ये कोई अलग है, ये ऐसे परिवार की तरह ही काम होता रहा। अच्छा, बाकी कितना टाइम लग गया था इस काम में? 1.5 दिन तो लग ही गया। अभी लेते हैं भाई, भाई से पूरा डिस्क्रिप्शन, ये इनका शोरूम है, डिटेल्स वगैरह की बात करें, कार कस्टम्स के नाम से शॉप है ना भाई, के नाम से तो ये पूरा इनका शोरूम है। ये कहाँ पे पड़ता है भाई? भाई ये करोल बाग मेन मार्केट अब्दुल अजीज रोड पे 16/28 मेरा वो है। जितनी भी आप सारे ब्रांड्स ऑलमोस्ट मेरे पास अवेलेबल मिलते हैं, ये स्टेज सीरीज का एम्पलीफायर, टू चैनल का इंटरनेशनल मॉडल JBL वगैरह, प्लस ये हाइड्रोसोनिक फोन्स वगैरह, सोनी हर्ट्स अवतार के भी मिलेंगे, डेप बोन्स के, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है डेप बोन्स, उनको नहीं मिलता मार्केट में, तो मेरे पास भाई डेप बोन्स हमेशा अवेलेबल होता है। बढ़िया कंपनी है भाई, नेक्स्ट लेवल। बाकी एक बड़ी खूबसूरत आइटम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पर्सनली, अब जैसे गर्मी आ रही है तो भाई ये आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। अच्छा, ये फ्रिज है भाई, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा फ्रिज है, इसमें मतलब कनेक्शन कैसे होता है इसका? भाई उसके साथ पावर सॉकेट के साथ कनेक्शन है कार के लिए ना? हाँ, कार के लिए भाई। तो भाई ये दोनों भाई हैं अपने, ये बैठे रहते हैं यहाँ पे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये सारा क्रोम का सेटअप है भाई,
ये हर गाड़ी का डोर वाइजर है क्रोम लाइन वाला, 90% हर गाड़ी का आपको मिलेगा मेरे पास। क्लाइंट को कोई चीज कमी नहीं होगी, मतलब कि ये चाहिए उसको, उसके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि भाई ये नहीं मिल पाया। बाकी भाई जैसा मैंने आपको बताया ब्लैक कैट केयर वगैरह के हम 6 पार्टनर हैं, तो ये सब ब्लैक कैट का हो गया, ये प्रायर का हो गया, तो वो सारा का सारा ए से लेके जेड तक सब आइटम अवेलेबल मिलेंगे भाई। फैक्ट्री आओ ना, दिखाता हूँ आपको अंदर। बाकी ये भाई वो चीज यहाँ पे ये सारा अपना मैन्युफैक्चर होता है, जो आपने वो रेड रेड देखा था भाई, ऐसी होती है फैक्ट्री जिसमें सीट कवर वगैरह बनती है। देखो भाई कोई भी गाड़ी का ये देख लो आप कितनी मशीन लगी है भाई, काम मतलब कोई भी गाड़ी आ जाए, मर्सिडीज, ऑडी, मारुति 800, सारी गाड़ी एक दिन में कंप्लीट करके देते हैं, हर क्वालिटी का काम है ना, वो तो आपको दिख ही गया भाई। ये सारे भाई अपने उस्ताद जी हैं, ये सारी सीट कवर के पैटर्न को सीते हैं भाई। नहीं कपड़े की चॉइस सारे कपड़े हैं भाई, ए से लेके जेड तक। लोग कहते हैं टैन चाहिए, मैं टैन, लोग कहते हैं बीएमडब्ल्यू वाला शेड, मैं बीएमडब्ल्यू वाला शेड, मैं इसकी कर रहा हूं, ये मस्त लगता है भाई। वो तो अपनी अपनी चॉइस है ना भाई, अब क्लाइंट का जो करेगा वो लगाएगा ना, हमारे कहने से क्या होता है, हम बस उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ये था भाई MG Hector Plus का एक पूरा एक्सेसरी वाला वीडियो, और भाई का पूरा जो भी इनको फैक्ट्री वगैरह है। तो वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।